हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को चलो यात्रिया यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दरभंगा जंक्शन से दार्जिलिंग तक जाने के लिए हफ्ते में कौन कौन सा ट्रेन है, ट्रेन नंबर क्या है, ट्रेन का टाइम टेबल क्या है, कितने बजे आपको मिलेगा दरभंगा जंक्शन में, कितने बजे आपको छोड़ेगा दार्जिलिंग में। तो सभी चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं आज के इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा कमेंट मुझे ऐसा पढ़ने को मिला कि सर दरभंगा जंक्शन से दार्जिलिंग तक जाने के लिए कोई गाड़ी का समस्या बताएं। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं जो लेके आया हूँ वो है दरभंगा जंक्शन से दार्जिलिंग तक जाने के लिए गाड़ी। सो आज के इस वीडियो के अंदर फुल स्टेप बाय स्टेप मैं बताने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे, एंड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पे दबा दें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो है गाइस, तो दरभंगा जंक्शन से दार्जिलिंग जाने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि डायरेक्ट कोई गाड़ी नहीं है। बस आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक मेल दे के ज़रूर बताऊँगा कि दरभंगा जंक्शन से दार्जिलिंग तक जा पाओगे बिल्कुल आसानी से, वो भी ट्रेन से। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। सो गाइस, तो दरभंगा से सबसे पहले आप लोगों को न्यू जलपाईगुड़ी जाना पड़ेगा, जो कि गाड़ी नंबर है कमखिया साप्ताहिक एक्सप्रेस का 15656। यह आपको 1:30 दोपहर को मिलेगा दरभंगा जंक्शन में, उतारेगा 12:30 रात को न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन में। और यह गाड़ी आपको हफ्ते में एक ही दिन मिलेगा, जो कि जुमेरात के दिन। इस गाड़ी का नाम है कमखिया साप्ताहिक एक्सप्रेस। जब भी आप लोगों को दरभंगा से दार्जिलिंग जाना हो, तो गाइस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि दरभंगा से दार्जिलिंग तक जाने के लिए आपको हफ्ते में एक ही दिन गाड़ी है, जो कि जुमेरात के दिन। आप जुमेरात के दिन के 1:30 दरभंगा में बैठना है कमखिया साप्ताहिक एक्सप्रेस में, और यही गाड़ी आपको उतारेगा 12:30 रात को न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन में। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ इस गाड़ी का लाइन रूट के बारे में, कि कौन कौन सा स्टेशन से ये गाड़ी दरभंगा जंक्शन से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलेगी। सो चलिए वो भी जान लेते हैं, उसके बाद फिर न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग मेल दार्जिलिंग तक जाने की गाड़ी के बारे में बताऊँगा। सो जैसे ये गाड़ी दरभंगा जंक्शन से खुलती है, लहरिया सराय समस्तीपुर जंक्शन बरौनी जंक्शन, उसके बाद आ जाएगा बेगूसराय खगड़िया जंक्शन नौगछिया कटिहार जंक्शन बारसोई जंक्शन किशनगंज जंक्शन न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन। सो कुछ इस तरह की इसका लाइन रूट है। कुल दूरी इस गाड़ी का जो है वो दरभंगा जंक्शन से न्यू जलपाईगुड़ी तक 452 किलोमीटर की दूरी है, जो कि आपको 1:30 दोपहर को बैठने से रात के 12:30 में ही उतार देता है न्यू जलपाईगुड़ी में। सो चलिए अब जान लेते हैं दूसरे गाड़ी के बारे में, जो कि न्यू जलपाईगुड़ी से आपको पकड़ना है और सीधा दार्जिलिंग तक जाना है। तो काफ़ी अच्छा मेल देके मैं आप लोगों को आज के वीडियोस में कवर कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि यूट्यूब पर आप लोगों को इस तरीके का वीडियो नहीं मिलेगा। एक यही चलो यात्रिया यूट्यूब चैनल है, जो कि आप लोगों का कमेंट को पिक करके वीडियो बनाता हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि किसी भी तरीके का डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे किसी भी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ से जहाँ तक जाना चाहते हो उसी तरीके का वीडियो होगा तो उसी पर कमेंट करना है, नहीं। आप किसी भी वीडियो में कमेंट करेंगे तो मैं जल्द से इस कमेंट का रिप्लाई भी करता हूं और कोशिश भी करता हूं जल्दी से वीडियो बनाने की। सो चलिए आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक जाने के लिए। तो आप लोगों को न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक जाने के लिए दो गाड़ी मिलेगा, जो कि एक गाड़ी रोज़ चलती है और एक गाड़ी हफ्ते में 3 दिन चलती है। तो मैं दोनों गाड़ी के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं, और आपको दरभंगा से दार्जिलिंग आने के लिए एक ही दिन आना पड़ेगा, जो कि जुमेरात के दिन आप लोगों को 1:30 निकलना है दरभंगा जंक्शन से न्यू जलपाईगुड़ी। आप जुमा के रात 12:30 आपको छोड़ेगा। जुमा के दिन से आप लोगों को दार्जिलिंग तक जाना है। तो यहाँ पर दो गाड़ी है, जबकि दोनों गाड़ी का कोई भी मेल नहीं है दरभंगा से दार्जिलिंग तक जाने के लिए। बस एक ही गाड़ी है, जो कि आप दार्जिलिंग न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक जा पाएंगे। आप दरभंगा जंक्शन से जुमेरात के दिन जैसे ही आएंगे, तो आपको ये न्यू जलपाईगुड़ी में डेली मिल जाएगा। ये दार्जिलिंग पैसेंजर गाड़ी है, ये आपको रोज़ मिल जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं इस गाड़ी का गाड़ी नंबर, गाड़ी का टाइम टेबल, सारा कुछ।
तो इस गाड़ी का नंबर है गाइस, जो मैं मेल दे रहा हूँ आप लोगों को, या आप लोगों का गाड़ी नंबर है 52541। और ये आपको मिलेगा 10 बजे सुबह, आपको छोड़ेगा कितने बजे, 12:30 पे। और आपको मिलेगा कितने बजे, ये दार्जिलिंग पैसेंजर 10 बजे सुबह। तो 12 बजे जैसे ही आप लोगों को उतारेगा, 12:30 बजे रात को न्यू जलपाईगुड़ी में, तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर वहाँ पे वेट करना है, उसके बाद आप लोगों को मिल जाएगा दार्जिलिंग पैसेंजर, जो कि रोज़ मिलेगा आपको 10 बजे। या फिर न्यू जलपाईगुड़ी आप किसी भी दिन आएंगे तो न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग आप रोज़ जा सकते हैं। दो गाड़ी इसमें हफ्ते में 1-3 दिन है, जो कि उस गाड़ी के बारे में मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। बट मैं आज का ये जो वीडियो मेरा है वो है दरभंगा जंक्शन से दार्जिलिंग तक जाने के लिए। तो दरभंगा जंक्शन से न्यू जलपाईगुड़ी तक तो आप लोग आ चुके हैं जुमा के दिन तक, जुमेरात को बैठना है 1:30 बजे और उतारेगा आपको 12:30 बजे रात को न्यू जलपाईगुड़ी में। उसके बाद न्यू जलपाईगुड़ी में जुमा के दिन या किसी भी दिन, ये गाड़ी रोज़ चलती है, आपको मिलेगा दिन के 10 बजे। थोड़ी देर आप लोगों को वेट करना है रात के 12 बजे के से दिन के 10 बजे तक। तो इस गाड़ी नंबर है 52541, ये आपको 10 बजे सुबह मिलेगा न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन में, उतारेगा आपको 5:30 शाम को दार्जिलिंग में। और ये गाड़ी रोज़ चलती है, इस गाड़ी का नाम है दार्जिलिंग पैसेंजर। तो चलिए अब इस गाड़ी का भी लाइन रूट जान लेते हैं। तो इसका एक भी स्टॉपेज नहीं है गाइस, जैसे ही आप न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन में बैठेंगे तो सीधा ये दार्जिलिंग में उतारेगा, इसके बीच एक भी स्टॉपेज नहीं है। और न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक जाने के लिए कुल 83 किलोमीटर की दूरी है ट्रेन में। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने क्या बोला कि दार्जिलिंग जाने के लिए आप लोगों को दरभंगा से न्यू जलपाईगुड़ी आपको आना होगा। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक जाने के लिए हफ्ते में एक गाड़ी है जो कि डेली चलता है 10 बजे, आप उसको पकड़ सकते हैं, या फिर किसी ट्रेन या किसी लाइन द्वारा, या फिर कोई अन्य वीडियो आप लोग देख रहे हैं, मतलब अन्य जगह से दरभंगा के अलावा, तो आप न्यू जलपाईगुड़ी आएंगे तो हफ्ते में तीन दिन एक गाड़ी और है, जिसका गाड़ी नंबर है 52539। ये भी 10 बजे सुबह मिलेगा आपको न्यू जलपाईगुड़ी में और छोड़ेगा 6:30 में, जो कि ये दार्जिलिंग पैसेंजर से 1 घंटा गाड़ी लेट चलती है। 6:30 शाम को छोड़ेगा दार्जिलिंग में। और ये गाड़ी हफ्ते में आपको 3 दिन मिलेगा, जो कि सोमवार, बुधवार और शनिवार के दिन। इस गाड़ी का नाम है दार्जिलिंग वातानुकूलित पैसेंजर गाड़ी है, ये पैसेंजर गाड़ी है और ये भी काफ़ी अच्छा है गाड़ी, ये भी काफ़ी अच्छा है गाइस। तो आप किसी भी मतलब अन्य स्टेशन से, दरभंगा से नहीं, आप कहीं पर से भी आप आ रहे हो दार्जिलिंग जाने के लिए, तो न्यू जलपाईगुड़ी तक आपको आना होगा। न्यू जलपाईगुड़ी से ये दोनों गाड़ी आप लोगों को मिल जाएगा और काफ़ी अच्छे से आप दार्जिलिंग का सफ़र कर सकते हो। सो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो वीडियो को लाइक तो बनता है गाइस, लाइक कर दीजिए अभी तक नहीं किया है, और चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी ऑल पे दबा दीजिए, ताकि हर आने वाला लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे हर दिन सुबह 9:30 बजे। सो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।